देखो उस दिन हम बताए थे स्क्वायर के विषय में, उसका कुछ फॉर्मूला भी बताए थे, आज कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो ये साइड है स्क्वायर का नाम क्या है, ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है और इसका ये ए बी साइड है, बी ए सी साइड है, सी डी साइड है और बी डी साइड है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, जो ये चारों साइड, इसमें फोर साइड होते हैं जो कि फोर एक दूसरे के बराबर होता है, इक्वल साइड्स होते हैं, ठीक है, और एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में। उसके बाद फॉर्मूला क्या बताए थे, इसका जो पेरीमीटर, पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहते हैं, इसका क्या होता है, 4 × 1 साइड होता है, ठीक है, और साइड इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, और एरिया इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। चलिए मान लेते हैं, सपोज डेट एक स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर है 48 सेंटीमीटर। अब हमको इसका साइड और एरिया दोनों निकालना है, साइड भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले एरिया तो तभी निकलेगा जब हमें साइड पता हो, और साइड तभी निकलेगा जब पेरीमीटर पता हो, इस तीनों सूत्र के आधार पे, इस तीनों फॉर्मूला से ही। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर दिया हुआ है सिर्फ 48 सेंटीमीटर, अब साइड इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 होता है। पेरीमीटर कितना है, 48 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, यानी पेरीमीटर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, सॉरी पेरीमीटर नहीं, साइड कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। जैसे ही हमें साइड का पता चल जाता है तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। अब एरिया जब निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू होगा साइड इंटू साइड, साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर, साइड कितना निकालने हैं, 12 सेंटीमीटर। साइड निकालने के लिए आप लोग पेरीमीटर इंटू पेरीमीटर नहीं करना है, साइड इंटू साइड करना है, सॉरी साइड नहीं, एरिया निकालने के लिए। बहुत तो क्या करते हैं, जो पेरीमीटर दिया हुआ है तो बस पेरीमीटर इंटू पेरीमीटर कर देते हैं, जबकि क्या होगा, साइड इंटू साइड होगा। तो साइड हम लोग कितना निकाले, 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर कितना होगा, 12 इंटू 12 होगा 144 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। देखो हमेशा याद रखना, पेरीमीटर जब दिया हुआ है और हमको एरिया निकालना है तो साइड इंटू साइड होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो पेरीमीटर जब दिया हुआ है तो पेरीमीटर से हम लोग सबसे पहले साइड निकालेंगे, जितना साइड निकलेगा उसकी सहायता से हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर इंटू पेरीमीटर मत कर देना, सबसे पहले साइड निकालना, और साइड जो निकलेगा उसी से हम लोग एरिया निकालेंगे, पहला ये गलती। दूसरा, तुम लोग क्या करते थे, जो हर जगह से सेंटीमीटर सेंटीमीटर, नहीं, जब एरिया में जैसे साइड इंटू साइड करते हैं तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया में, ये गलती मत करना, ये गलती करने से सारा का सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये दो चीज ध्यान रखना, एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एक तो हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, ठीक है। दिया है अगर पेरीमीटर और साइड निकालना है तो सिर्फ साइड निकाल के छोड़ देंगे, अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें सबसे पहले साइड निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक।
इसको याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये मेरा चैनल का नाम है, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। स्टडी विथ महेश्वरी के साथ इसी तरह स्टडी करते रहो।